एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी देखने के लिए पहुंचे कमिश्नर और एडीजी। कच्ची ईंट देख एडीजी हुए नाराज। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन प्रतापगढ़ में 12 जून को होना है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी होंगे, जिसके मद्देनज़र एडीजी, कमिश्नर और राजीव प्रयागराज शनिवार को कार्यक्रम स्थल बनवीर काज पहुंचे। हेलीपैड में कच्ची ईंट देख नाराजगी दिखाते हुए उसे बदलने को कहा। पूरे परिसर में भूसे और गोबर का लेप लगाने के साथ ही वन विभाग को आसपास की झाड़ियों की सफाई के निर्देश भी दिए। बता दें कि एडीजी भानु भास्कर, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी चंद्र प्रकाश के साथ दोपहर में वनवीर काज पहुंचे। जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, एसपी सतपालन थिल, सीडीओ ईश्वर प्रिया के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सोमवार को आगमन की हो रही तैयारियों का जायजा लिया। हेलीपैड में लगी कच्ची ईंट देख नाराज एडीजी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से सवाल करने लगे। कहा कि कच्ची और पीली ईंट तत्काल हटाकर नई ईंट लगाई जाए। हेलीपैड स्थल पर धूल न उड़े, इसके लिए परिसर और आसपास की जमीन पर भूसे और गोबर का लेप लगाया जाए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर LED TV लगवाने का निर्देश दिया। करीब स्थित सुखपाल नगर स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर वहां भी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा। एडीजी ने SP को निर्देशित किया कि कार्यक्रम स्थल हेलीपैड के पास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करें, आवागमन बाधित न हो इसका भी ध्यान रखा जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आमंत्रित लाभार्थियों को ले जाने और उनके बैठने की व्यवस्था की जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नगर कोतवाली इलाके खबर की, जहां अधिवक्ता के साथ हुआ ऑनलाइन फ्रॉड। पीड़ित ने किया मामले की उच्च अधिकारियों से शिकायत, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। दरअसल यह पूरा मामला नगर कोतवाली इलाके के शिव नगर भगवान नरसिंहपुर गांव का है, जहां के रहने वाले अधिवक्ता आर्यन शुक्ला का आरोप है कि उनके खाते से ऑनलाइन फ्रॉडों ने 20,000 रुपये आहरण कर लिया। मामले की शिकायत पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से की है। फिलहाल पुलिस के आला अफसर पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां सिपाही पर सिर चढ़कर बोली अंगूर की बेटी। सिपाही ने किया 20 सड़क हंगामा। बता दें कि विशेष ड्यूटी में लीलापुर थाने जा रहे सिपाही शनिवार सुबह पुलिस लाइन से निकलते ही शराब पी लिए। चंद कदम आगे अंबेडकर चौराहे पहुंचते ही आपस में मारपीट करने लगे, एक को खून निकलने लगा। आसपास मौजूद लोगों की सूचना पर सिविल लाइन चौक के इंचार्ज अमित दुबे पहुंचे तो एक सिपाही उनसे भी उलझ गया और बोला, डोंट टच माई वर्दी मिस्टर दुबे जी। हालांकि दोनों को पुलिस चौकी ले जाया गया, बाद में कोतवाली भेज दिया गया। बता दें कि पुलिस लाइन में तैनात सिपाही अनिल कुमार और कुलदीप पांडे की ड्यूटी शनिवार और रविवार को लीलापुर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था संभालने के लिए लगाई गई थी। लीलापुर जाने के लिए दोनों सुबह करीब 10 बजे पुलिस लाइन से निकले और अमेरिका चौराहे पहुंचते ही शराब पी लिए। नशे का सुरूर चढ़ा तो दोनों चौराहे से रोडवेज बस अड्डा मार्ग पर एक ई रिक्शा पर बैठकर आपस में ही झगड़ने लगे। कहा सुनी बढ़ी और आपस में ही मारपीट बढ़ गई। यह देख आसपास के लोग पहुंचे और वीडियो बनाने लगे तो सिपाही रोकने लगा। लोगों की सूचना पर सिविल लाइन चौकी इंचार्ज अमित दुबे पहुंचे तो दोनों को ले जाने लगे। एक सिपाही गिरने लगा, चौकी इंचार्ज ने उसे पकड़ लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे खेल समाचार की, जहां सिल्वर मेडल विजेता शाहरुख खान का प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद किया गया भव्य स्वागत। बता दें कि दक्षिण कोरिया में चल रहे एशिया एथलीट में सिल्वर मेडल पाने वाले नगर कोतवाली के मदई का पूर्व निवासी शाहरुख का शनिवार को प्रतापगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भारी भीड़ के साथ गांव और नगर के लोगों ने स्टेशन पहुंचकर सिल्वर पदक जीतने वाले शाहरुख की जोरदार अगवानी की। इस दौरान सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य ने भी अपने कार्यालय पर पदक विजेता खिलाड़ी का माल्यार्पण कर उसका स्वागत किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह पहुंचे प्रतापगढ़। PWD डाक बंगले में की प्रेसवार्ता। प्रेसवार्ता के दौरान अल्पसंख्यकों का शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने का दिया निर्देश। बता दें कि प्रतापगढ़ पहुंचे राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह ने प्रतापगढ़ PWD डाक बंगले में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि अल्पसंख्यकों का शिविर लगाकर अब आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। इसके अलावा पंजाबी मार्केट, गुरुद्वारा, मस्जिदों के आसपास साफ सफाई का निर्देश दिया और अवैध जमीन पर कब्जे को लेकर बताया कि अल्पसंख्यक आयोग इस पर पूरी तरीके से गंभीर है। फर्जी खसरा खतौनी बनाकर जो माफियाओं ने खेल किया है उसकी जांच कराई जा रही है। मदरसे के छात्र छात्राओं का डेटा भी तैयार करने की उन्होंने बात की और उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भगवा चुंगी चौराहे का नाम गुरु नानक के नाम से रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं धर्मांतरण के मामले में आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की परमिंदर सिंह ने बात भी कही है।